कराटे ले रहे हो? अब 10 भी बजने वाले हैं। सामान पैक कर लिया? हाँ। मैं शवार साहब को फोन करता हूँ। तो सेलफोन कहाँ है? वहां पड़ा है। सुनो, कैन यू डू मी अ फेवर? बोलो। ऐसी बस एक ख्याल आया मुझे, तुम रात को मत जाओ। और मैं रोक नहीं रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम सुबह चली जाना। रूमी स्कूल चला जाएगा, मैं ऑफिस चला जाऊंगा और तुम अपने घर। रात बहुत भारी है महवेश, लगता नहीं गुजरेगी। रात तो कल भी होगी ना, पर उससे पहले एक दिन भी तो होगा ना। दिन गुजरते गुजरते हिम्मत आ गई होगी मुझ में, फिर रूमी से इतने झूठ बोल लिए होंगे कि परफॉर्म करते करते मुझे रात गुजारनी आ गई होगी। प्लीज, मुझे सीरियसली बहुत हेल्प मिलेगी। 4-6 दिन गुजर जाए तो रूमी को सच बता देना। क्या है कि कहीं रास्ते में अगर उसने मुझे देख लिया तो तड़प जाएगा। हाँ, तो फिर तुम सुबह को जाओगी ना? शहवार से बात कर लो। तो जाहिर करनी पड़ेगी, करता हूं। हेलो दानिश, दानिश बोल रहा हूँ शेवार साहब। या आई नो, तो सो गए रूमी साहब? जी वो तो सो गया है, लेकिन मुझे जरा डर लग रहा है। नहीं नहीं, वो वाला डर नहीं, वो ऐसे लगा कि महविश को दिन में जाना चाहिए, जब रूमी स्कूल चले जाए, जब मैं सुबह ऑफिस चला जाऊं। रात में कभी कभी जाग जाता है वो, जाग जाए तो मामा को ढूंढता है। ऐसा रोज नहीं होता, लेकिन मैं डर रहा हूं कि आज जाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं वैसे पूछो, वो क्या कहती है? उसने कहा है कि आपसे पूछूं। बी अ मैन, क्या बच्चों की सी बातें करते हैं आप। आई नो, प्लीज ये फेवर दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा, दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए। ओके फाइन, फिर मैं आता हूँ सुबह 9 बजे। परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मान गया। कोई डील किया उसके साथ? डील? तलाक देने के लिए पैसे लिए? नहीं तो, ये क्यों कह रही हो? ऐसे ही लगा मुझे, जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो उसके मान जाने पर थैंक यू बोल, मुझे लगा ऐसी कोई बात है। पैसे नहीं लिए तुम्हें देखकर, उसने कुछ कहा था मुझसे, कहा कि जब बीवी हाथ छुड़ा कर जाने लगे तो उसे कभी ना रोकना। वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती। वैसे तो वो कह रहा था कि 50 मिलियन ले लो। कितने? 50 मिलियन। दुख हुआ था कि तुम घर से निकलते ही बाजार में जा बैठी। शाडा, पता है 50 मिलियन कितने होते हैं? पता है मुझे, बहुत कुछ खरीद सकता था मैं,
मगर वो एक पल नहीं मिलता। वो जब मुझे घर आने की जल्दी होती थी, मैं आता था, तुम दरवाजा खोलती थी, बस तुम्हें देखा मैंने, अपनी जरूरतों को तुमसे आगे नहीं देखा। I can understand. तुम कुएं में ही रहना, मेंढक की तरह टर्राते हो। सुनो, खाने के लिए कुछ ले आओ। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा, subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.